सब का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और देख सकते हैं जूते में फीता लगाया जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग जॉगिंग के लिए जाने वाले हैं। वो जूता काफ़ी गंदा हो गया था तो इसलिए धोया गया था, फेस वगैरह सब धो लिया गया है। और आज आपको हमारे जॉगिंग की ब्लॉग मिलने वाली है कि हम लोग किधर जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो खैर अभी तो मैं ही उठी हूँ और बहुत सारे लोग अभी उठ रहे होंगे क्योंकि सबको टाइमिंग पता ही है। तो आप बने रहिए और फिर दिखाते हैं कि हम लोग कौन कौन है, जाते हैं किस तरह से, क्या क्या होता है, कितनी दूर जाते हैं, सब कुछ पता लगने वाला है। और आपको पता ही है कि जॉगिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर लड़की। तो आप बने रहिए, सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली है। जूते का फीता हो गया और अब चलते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं थोड़ी सी दूरी पे, तो उन्हें भी लेते चलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं आज। तो अभी आप देख सकते हैं मोंटी है, तो हम लोग रोज जाते हैं। पीहू और ये है सोनू, बोल सुन नहीं सकता ये आपको पता ही है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं और भी कुछ लोग हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। तब देख सकते हैं काफ़ी अंधकार है अभी, बट आते आते हमारा सुबह ही हो जाता है। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और उधर देखिए मौसी वो अपना जॉगिंग कर रही है। सो अभी हम लोग उस जगह पे पहुंचने वाले हैं और हल्का हल्का आप देख सकते हैं वहाँ पे बैठी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन है वहाँ पे। तो हर रोज का इनका यही अड्डा है। हेलो हेलो गाइस, कितनी देर से बैठे हैं? हाँ, तभी से फोन कर रहे हैं, हम लोग निकले तभी से फोन कर रहे हैं, ये वेट कर रहे थे। एक्चुअली हमारा जो जूता था उसमें फीता लगा हुआ नहीं था तो वो लगा रहे थे। और ये रहा देखिए, पहले मिलवाती है सुनीता इसका पहले पहनते थे और ये है समीर फराक पहना का इसका पैंट आज बड़ा हो गया है तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कितने लोग हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 और मैं 6 और एक आती है बट उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सुषमा, तो वो नहीं आ पाई आज। तो कोई नहीं, हम लोग ही चलते हैं और भी सब चीज़ दिखाने वाले कि हम लोग कब से दौड़ना चालू करते हैं और वहाँ पहुँच करके कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं, ये कौन सा चौक है? ये हनुमान चौक है। हनुमान चौक नहीं, बजरंग चौक। सॉरी, बजरंग चौक। तो ये बजरंग चौक है और ये रोड है, इधर जाएंगे तो पहुँच जाएंगे हम लोग रातू रांची, और इधर जाएंगे तो पहुँचेंगे भुरकुंडा। और तो और इतने सारे लोग हैं अभी, और ये रहे। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हम लोग को इस तरफ जाना है, तो चलिए चलते हैं और फिर बताते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। तो लगभग कितना किलोमीटर होगा? कम से कम 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कह रहा है बट उतना नहीं होना चाहिए। दो तीन होगा। पोड़ा भी इसी साइड से हम लोग गए थे। 2-3 किलोमीटर होगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग आधे रास्ते से थोड़ा दौड़ करके आए, तो थोड़ा पसीना निकल गया है। और आगे में ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड में जा करके हम लोग चक्कर लगाएंगे, 2-3 चक्कर जितना बनता है उतना। और अभी आपको बहुत सारे लोग भी दिखाई देंगे वॉक करते हुए, तो इस रास्ते में बहुत सारे लोग दिखते ही हैं वॉक करते हुए। तो चलिए फिर जाते हैं और बताते हैं। अभी हम लोग मैदान पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है मैदान। और यहाँ पे हम लोग 2-3 राउंड अभी लगाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करने वाले हैं। और अभी हमारे जो दो हैं वो अभी पीछे हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं उनका। और ये सोनू का जूता खुल गया awesome.
अच्छा कह रहा है कि पत्थर घुस गया इसके जूते में, इसलिए वो खोल करके कर रहा है। तो अभी हम लोग दौड़ते दौड़ते हैं तो थोड़ा थक चुके हैं, और फिर से अभी यहाँ पे राउंड लगाना, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये जो ग्राउंड है ये है सेंट्रल सौंदा का, यहाँ पे बहुत सारे मैचेस भी होते हैं, आप देख सकते हैं इधर। और अंदर जा करके भी अभी दिखाने वाले हैं कि क्या है कैसा है। और एक बड़ा सा यहाँ पे लोहा रखा हुआ है ना, उसको हम लोग ठेलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो वो अंदर आ चुके हैं, इधर से नहीं आए, वो अंदर चले गए। तो चलिए चलते हैं, राउंड लगाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम लोग का मैदान पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुका है, और यहाँ पे 2-3 राउंड हम लोग लगाएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद घर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर राउंड शुरू करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. 3 round ho chuka hai, aur ab jaate exercise karne. Chaliye. To, abhi hum log दौड़ कर के आए हैं 3 राउंड, और ये आप देख सकते हैं ये जो लोहा है इसे ठेलना है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जाता नहीं है, तो देखते हैं कितनी दूर तक कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज का एक पार्ट है, और ये ग्राउंड में ही रहता है, तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आप चारों साइड में देख सकते हैं लोग आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, कोई गेम खेल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो दिखते हैं। तो अभी इस बड़े वाले लोहे को अभी ठेलेंगे, और फिर अभी देखते हैं कितना कर सकते हैं, फिर और भी बहुत एक्सरसाइज अभी हमें करने बाकी है, तो बस चलिए देखते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and देखिए हाथों का हाल, देखिए बहुत ज्यादा गंदा। अब देखो ये हम लोग का चिकना चुटिया लगा, अभी खेलेगा कैसे, दम लगा के, अरे दम लगा के, अरे जोर से बोलो, अरे हो जाएगी तुम लोग, अरे जोर से खेलो, अरे धीरे खेलो, अरे धीरे खेलो, अरे जोर से खेलो। तो आप देख सकते हैं हाथों का क्या हाल हुआ है उस बड़े से लोहे को ढकेलने के चक्कर में। तो एक्चुअली ये मेरा जो टमी है इसे अंदर करना है, तो इसके लिए एक्सरसाइज है। और एक बात है, क्योंकि आजकल लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे कांड भी हो रहे हैं, तो पुलिस तो बाद में आएगी, पहले अपनी सुरक्षा खुद को करनी है। तो एक्सरसाइज कर ले तो थोड़ा मसल वसल बना लेते हैं, ताकि कम से कम अगर एक बंदा रहा तो फिर तो वो तो बचेगा नहीं। हाँ, अगर ग्रुप में आ जाते तो
खैर अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, पुलिस सब कुछ हमारे साथ है ही, लेकिन जो फर्स्ट प्रोटेक्शन चाहिए तो एक गर्ल को चाहिए कि फिजिकली वो थोड़ा स्ट्रांग रहे ताकि ये सब चीज़ों से वो बच सके, तो उसके लिए भी है। प्लस ये जो टमी है इसे भी अंदर करने के लिए है। तो ये वाला तो पार्ट ख़त्म, अब चलेंगे हम एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, कौन कौन सी करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. फिर चिल्ली वगैरह ये सब खा के और फिर से मोटी हो जाते हैं, इसी के कारण से ये बोलते हैं कि मैं पतला हो रही हूँ कि मोटा हो रही हूँ। चौमिन कर रहा है ना, यही खिलाता है, यही मॉर्निंग जॉगिंग के लिए भी यही लेके आएगा और शाम में चौमिन भी यही खिलाता है। पता नहीं मोटा कर रहा है कि पतला कर रहा है, दोनों थोड़ा लटकने वाले प्रैक्टिस हो जाए। घूम के करना ये हमारे दीदी अभी लटकने वाली है और देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए आगे देखिए कि ये क्या क्या करते हैं, देखते जाएं। ये पहला स्टेप till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. इतनी मेहनत करती हैं दीदी, सोच सकते हैं आप, हमारी दीदी इतनी मेहनत करते हैं। ओ ओ माय गॉड, ये हमारा हीरो का कचड़ा लग गया। कोई बात नहीं, ये साफ हो सकता है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है ना। हाँ साफ तो हो चुका है, कोई बात नहीं। ये हमारी दीदी पैर से गंदा इनको कर दिया और क्या। कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। ये दीदी है ना, अपनी दीदी है तो टेंशन क्या बात की। अरे सॉरी बोल रहे हैं ना, सॉरी बोल रहे, टेंशन मत लो। ठीक अब ये एक्सरसाइज हो गया तो डेली इतना होता है, बट ये जो है अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अपोजिट रिएक्शन हो जा रहा है, बट कोई नहीं, मेहनत करते रहना है। एक ना एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे। तो चलिए हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब हम लोग घर की ओर चलते हैं, और घर जाते समय क्या क्या मस्ती होती सब आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग आना जाना करते हैं,
तो वापस लौटते समय हम लोग यहीं से आते हैं। तो रास्ते के बारे में मैंने सुबह में आपको नहीं दिखाते क्योंकि उस समय अंधकार था, आपको दिखाई भी नहीं देता। और इस रास्ते के बारे में मैंने आपको एक बार बताया भी है तो एक वीडियो में, जो है सुनील का हैप्पी बर्थडे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जा करके उसे देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आपको पता चलेगा इस रास्ते के बारे में। और ये काफ़ी शानदार रास्ता है और अगल बगल जितना भी है दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं और बीच में रास्ता है। सीन काफ़ी सही है यहाँ का। तो इधर भी हम लोग शूटिंग के लिए आने वाले हैं, हमने लोकेशन भी डिसाइड कर लिया है और बाकी के लोग पीछे हैं सॉन्ग सुन सुन करके आ रहे हैं। और चलिए चलते हैं। हाँ सोनू वो उधर से आया था, हम लोग इधर थोड़ा शॉर्टकट से आ गए। तो रास्ता सेम ही पड़ता है। तो अभी भी देखिए धुंध छाई हुई है और बाकी के ये लोग सॉन्ग सुनते सुनते आ रहे हैं। देख लो तो यो गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी फिलहाल तो 3-4 बार गुड मॉर्निंग आपको बोल चुका हूँ, पर जितना भी बोलूँ उतना भी कम है। पर मजा आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। ओके आगे देखा जाए होता है क्या। फ्रेंड्स आपको एक चीज दिखाते हैं, शायद यहाँ से आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, तो ये दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये है वेब स्पाइडर का, और ये जो स्पाइडर है ना ये वाइट कलर का है। थोड़ा कैमरा सही नहीं है इसलिए शायद आपको अच्छे से ना दिखे, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिख जाए। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना ये स्पाइडर है। ये रहा वो स्पाइडर। और ये इतना बड़ा इसने वेब बनाया हुआ है, मतलब दूर से तो दिख ही नहीं रहा था, काफी गौर से देखने पर आपको पता चलेगा। देखिए तो ऐसे ऐसे डेंजरस कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं। तो अचानक से दिख गया तो आपको दिखा देती हूँ, इसलिए हम लोग ज़्यादा किनारे नहीं चलते झाड़ झंकाड़ में, अपना रोड पे चलते हैं और बस थोड़ी दूर, उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. यहाँ का हमारा लोकेशन भी है शूटिंग का, तो आने वाले हैं आज, तो देखते हैं क्या क्या होता है। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. So friends, अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं और कुछ देर हम लोग दौड़े कुछ चले, क्योंकि कंटिन्यूसली दौड़ नहीं सकते हैं, बहुत थक जाते इस वजह से। और बाकी के लोग हैं वो पीछे से आ रहे हैं, आप देखिए मस्ती करते हुए। तो आज का जो ये ब्लॉग था जॉगिंग से रिलेटेड, आपने देखा कि ये हमारा डेली रूटीन है, हर सुबह हमें जाना है एंड दौड़ लगाना है। और देखते हैं कि कब तक ये करते हैं, तो जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये भाई साहब लगा हुआ है मोबाइल पे, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग वाली कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ ब्लॉग डालूँ। ब्लॉगिंग वाली वीडियोस जो है आपको इसी चैनल पर मिलती है जिसका नाम है एनी क्रिएशन ब्लॉग्स। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।